दोस्तों आज हम आपको सेसपुल क्या है और इसकी कार्यविधि के बारे में बताएंगे। सेसपुल सेसपुल और कार्य। सेसपुल का क्या कार्य होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सेसपुल क्या होता है यह भी सेपिट व सोपिट टैंक जैसा ही एक टैंक होता है, परंतु इसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। इसका प्रयोग भी उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर सार्वजनिक सीवर उपलब्ध ना हो। इस टैंक के साथ ही ऊपर ही लैट्रिन बना दी जाती है। जो सेसपुल टैंक होता है उसके ऊपर ही लैट्रिन बना करके और उसका उसके अंदर मलबूत छोड़ दिया जाता है और उसी टैंक में जोड़ दिया जाता है, तथा टैंक की दीवार सूखी ईंटों से बना दी जाती है, या कई बार टैंक में टूटी हुई ईंटें व ईंटों के टुकड़े भर दिए जाते हैं ताकि यह टैंक बैठ न सके। इसे कुई सिस्टम भी कहते हैं। जो ये टैंक होता है इसको कुई सिस्टम भी कहते हैं। इससे आगे बताने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सेसपुल के कार्य, सोकपिट और सेफ्टी टैंक के क्या अंतर है और सावधानियां अपने दोस्तों को जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी सेसपुल, सोकपिट और सेफ्टी टैंक के बारे में जानकारी प्राप्त हो ये क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी ठोस व तरल दोनों प्रकार का मल मूत्र जाता है जो, और जब यह भर जाता है तो दूसरा टैंक बनाना पड़ता है। वैसे यह काफी समय तक कार्य करता है और इनमें पानी का प्रयोग कम किया जाए तो इनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी मिट्टी में रिसता रहता है और जिससे धीरे धीरे मिट्टी कि पानी को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। जब धीरे धीरे ईंटों के द्वारा पानी जमीन में जाएगा तो वो धीरे धीरे करके मिट्टी के पानी सोखेगा और जमीन के अंदर उसका पूरी जब डाल पूरी तरह से पानी जमीन पी लेगी तो वो पूरा उसके अंदर से पानी पीने की क्षमता जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब वो भरना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी तरह से कहते हैं उसकी क्षमता जब कम हो जाएगी सोखने की, उसके बाद जिससे धीरे धीरे मिट्टी की पानी को रोकने की क्षमता कम हो जाएगी, इसमें जो ठोस मल होता है वह धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। इसे थोड़ी सी लागत से ही बनाया जा सकता है। अतः
इसे हम शिवर समापन का रा सस्ता साधन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सीवर की व्यवस्था है ही नहीं, वहां पे हमें क्या करना होता है, या तो हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं, या सोपिक टैंक बनाते हैं, या सेसमन बनाते हैं। सोपिट होता है वो नीचे जमीन सोखती रहती है, सेसपुल की तरह ही होता है ये भी, पहले आपने बताया था। सोपिट होता है और सेप्टिक होता है, सेप्टिक अंदर से पूरा पक्का होता है, ठीक है। और लैट्रिन भी कई प्रकार की बनी होती है। आप लैट्रिन जो मल मूत्र है उनको जहां पे सीवर नहीं है वहां पे हम सेसपुल, सेप्टिक टैंक व सोपिट टैंक का प्रयोग करके बदबू व गंदी गैस व बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ये जमीन को खोद करके बनाए जाते हैं, वहां पे मल और मूत्र दोनों इकट्ठा इन टैंकों के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब आगे हम बताते हैं सोपिट व सेप्टिक में क्या अंतर है। दोस्तों ये है हमारा सेप्टिक और सेप्टिक टैंक और सोपिट टैंक में अंतर, इनमें क्या अंतर होता है। पहला जो है सोपिट, इसमें क्या है, सेप्टिक टैंक में होता है और सोपिट टैंक में, दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। वो क्या है कि सोपिट जो टैंक होता है इसका आधार कच्चा रहता है, और सेप्टिक टैंक में इसका आधार आरसीसी व सीमेंट से पक्का बनाया जाता है। नंबर दो है सोपिट अधिकतर रेतीली भूमि में अच्छा कार्य करता है, क्योंकि रेतीली भूमि में इसलिए अच्छा कार्य करता है कि वो जल्दी से पानी को सोख जाता है। सेप्टिक टैंक होता है हर प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक कार्य करता है, क्योंकि इसका आधार पक्का होता है, इसको खाली कर सकते हैं हम लोग भरने के बाद में। नंबर तीन है इसे जमीन का पानी दूषित होता है, जब पानी नीचे सोखेगा, सोपिट का मतलब नीचे सोखना, जो हमारा मल मूत्र का पानी गंदा पानी होगा वो जमीन के अंदर जाएगा तो वो सोखेगा। इसमें क्या है, इस सेप्टिक में क्या है कि इससे जमीन का पानी किसी प्रकार भी दूषित नहीं होगा, क्योंकि इसका आधार जो होता है वो पक्का होता है और पानी जमीन का गंदा नहीं कर सकता है, जब वो भर जाएगा तो उसको खाली करना होगा। इसके बाद आता है चार नंबर, यह छोटे परिवार के लिए अच्छे रहते हैं, क्यों, छोटे परिवार के लिए तो बहुत ही बढ़िया, एक बार बना दिया वो सदियों तक चलता रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है सोपिट। सेप्टिक में क्या होता है, इसको बड़े परिवार के लिए बनाना आवश्यक होता है, जब बड़ा परिवार होगा तो सेप्टिक जो टैंक होता है वो जल्दी भर जाएगा, फिर उसको हम खाली करवा सकते हैं, इसलिए बड़े परिवार के लिए हमेशा सेप्टिक टैंक का जिसका आधार आरसीसी पक्का हो वैसा ही बनवाना चाहिए। इसके बाद है पांच नंबर, कई बार इसकी दीवारें नहीं बनाई जाती है, या सूखी ईंट सूखी चिनाई से ही दीवार बनाई जा सकती है। और इसमें क्या होता है सेप्टिक में कि इनमें दीवार बनाना आवश्यक होता है, और ये दीवारें चूने व सीमेंट के मसाले से बनाई जाती है, क्योंकि इसको हमने खाली करना होता है और इधर उधर से उसका पानी सूखेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बनाना इसलिए आवश्यक होता है। इससे आगे चलते हैं, अभी बाकी अंतर बताने से पहले आपको हम बताते हैं कि सोपिक टैंक सोपिक जहां पर सेप्टिक टैंक से निकले पानी को उचित जगह न होने के कारण
सूखा या वह खुला न छोड़ा जा सकता है या कृषि के कार्य में प्रयोग न किया जा रहा हो, तो इस गंदे पानी के समापन के लिए सोपिट टैंक बनाए जाते हैं। इस इनको गोलाकार या आयताकार या आवश्यकता अनुसार गहराई में बनाया जा सकता है। इसके अंदर मिट्टी या सूखी ईंट की चिनाई से दीवारें बनाई जाती हैं। इसके अंदर टूटी हुई ईंटों के टुकड़े भर दिए जाते हैं। इसका धरातल कच्चा रखा जाता है, परंतु इसको ऊपर से कई बार कवर कर दिया कर देते हैं। सूखी ईंटों को चिनाई में धरातल कच्चा होने के कारण इसकी मिट्टी पानी को चूस लेती है और इस प्रकार इसके अंदर पानी में नीचे जमीन में खूस घुस जाता है जो सोख लेती है पानी को। इसीलिए इसको सोख पिट टैंक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पानी जाने की क्षमता होती है, जो जमीन के अंदर चला जाता है वो सोख लेता है, उसे हम सोख पिट टैंक बोलते हैं। ठीक है, इसे आगे चलते हैं। अभी हम ये नंबर में है हमारा, यह कम पैसों से बनाया जा सकता है। सेप्टिक टैंक जो होता है यह पानी को नहीं चूसता, इससे पानी को बाहर निकालना पड़ता है। सात नंबर में है, यह पानी को चूस जाता है। आठ नंबर में है, इन्हें बनाने से अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है। आठ नंबर में है हमारा, इसकी सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतः भरने पर हमें दूसरा सोपिट टैंक बनाना पड़ता है। सेप्टिक में है, इस टैंक को भरने पर साफ करवाया या करवाना पड़ता है। सफाई करने के बाद यह पहले की तरह ही अपना कार्य सफलतापूर्वक करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आती सावधानियां। अभी सावधानियां, इसके बाद आती सावधानियां। सोपिट टैंक किसी हैंडपंप, कुएं व ट्यूबवेल के नजदीक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनका पानी जो होता है वो दूषित होता है। उसके बाद आता है दो नंबर, सोपिट को किसी इमारत की दीवार के साथ भी नहीं बनाना चाहिए। नंबर तीन है सावधानी, सोपिट को किसी प्रकार के रास्ते के बीच में नहीं बनाना चाहिए। नंबर चार, यदि रेतीली भूमि में सोपिट बनाए जाए तो उसके अंदर दीवारों की चिनाई करनी चाहिए सीमेंट और मसाले के साथ में। नंबर पांच, जालीदार होनी चाहिए। सोपिट को हमें ऊपर से कवर कर देना चाहिए आरसीसी रोड़ी कंक्रीट के द्वारा। जब हम सोपिट टैंक बनाएंगे तो जालीदार बनाना चाहिए। नंबर छह, सोपिट टैंक को बनाते समय विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, जब जालीदार सोपिट टैंक गोलाई में बनाते हैं तो उसमें जब हम मसाला लगाते हैं तो पूरी पक्का सीमेंट में नहीं होना चाहिए।
पूरा बीच बीच में दो दो चार चार रद्दे छोड़ करके उसको बीच बीच में सीमेंट का रद्दा पक्का लगाना चाहिए। इसी के साथ में आपको सेस पुल, सेफ्टिक टैंक, सॉफ्टिक टैंक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सॉकपिट, सेस पुल और सेफ्टी टैंक के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाइप ऑफ ट्रैप, हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है सेकंड सेमेस्टर में एक नंबर चैप्टर है, ये भाग नंबर हमारा है 4। इसके बाद हमारा चलेगा ट्रैप, इसी के अंदर है। ओके, थैंक यू।